रानी के सम्मान में आपा खो रहा राजपूत समाज अब नारी के अपमान पर उतर आया है, क्योंकि दीपिका पादुकोण की गला काटने से लेकर नाक काटने तक की दी गई है धमकी। कि अगर संजय लीला भंसाली जी ने और दीपिका पादुकोण अभिनेत्री जी ने यह फिल्म वापिस नहीं ली तो हम उनको उनका सर कलम कर देंगे, 5 करोड़ रुपए की इनाम की घोषणा करते हैं। नाम अभिषेक सोम, जगह मेरठ, धमकी दीपिका की गर्दन काटने पर 5 करोड़ का इनाम। तो दीपिका जी आप भी सुरक्षित रहिएगा, राजपूत क्षत्रिय है, हाथ नहीं उठाएंगे, पर सूर्यपंखा की तरह नाक काटना अभी छोड़ा नहीं है क्षत्रिय ने। नाम महिपाल सिंह मकराना, जग कोटा, धमकी दीपिका की नाक काटने की। दीपिका पादुकोण जी को इसके साथ साथ यह भी चेतावनी देते हैं कि उन्हें यह देश छोड़ना ही होगा, मोदी जी स्वयं भी उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। कहा कि दीपिका की नाक काट दी जाएगी। देखिए मैंने नहीं कहा, ये तो अब कुछ जोशीले लोगों का अति उत्साह में दिया गया बयान है, मैं इस तरह के काम नहीं करता। दीपिका पादुकोण ने पद्मावती फिल्म को लेकर बयान क्या दिया, बवाल मच गया, और इसी वजह से एबीपी न्यूज कुछ सवाल यहां पर पूछ रहा है उन लोगों से जिन्होंने सरेआम दीपिका को धमकी दी है। क्या करणी सेना के लोग महिला का अपमान नहीं कर रहे हैं, हमारा ये पहला सवाल है। एबीपी न्यूज का दूसरा सवाल, महिला सम्मान के लिए महिला का अपमान क्यों? और हमारा तीसरा सवाल है कि जो लोग दीपिका को धमकी दे रहे हैं, क्या धमकी देने वालों को देश के कानून का कोई डर नहीं रह गया है? ये तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब मिलना ही चाहिए। वहीं राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर राजपूतों ने आपा खोया तो फिर ये देश को महंगा पड़ जाएगा। जयपुर से लेकर नागपुर तक और इलाहाबाद से लेकर हैदराबाद तक, फिल्म पद्मावती को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। राजपूतों के संगठन करणी सेना का कहना है कि राजपूतों ने होश खोया तो देश को महंगा पड़ेगा। अगर होश खो गया बहुत भारी पड़ेगा, राजपूत बहुत अनुशासित सिपाही है और राजपूत के अनुशासन की परीक्षा मत लो। इस तरह से बेटियों से सुनने को अगर मुझे मौका पड़ेगा फिर आप कहेंगे कि साहब देखिए औरत पर हाथ उठाने हैं। दीपिका ने 2 दिन पहले कहा था कि 1 दिसंबर को फिल्म हर हाल में रिलीज होगी। दीपिका के बयान से करणी सेना आज भी नाराज है। दीपिका कह रही है कि फिल्म हर हाल में रिलीज होगी, कौन अधिकार दिए उसको? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यही है जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस पर बकवास करे? आरोप है कि फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ हुई है। फिल्म में आपत्तिजनक सीन रखने का भी आरोप है। फिल्म के गाने के सीन पर भी विवाद है। अब तो फिल्म की रिलीज को लेकर दीपिका ने ये क्या कह दिया कि फिल्म हर हाल में रिलीज होगी। करणी सेना ने सवाल खड़े कर दिए कि दीपिका कौन होती हैं इस तरह के सवाल पूछने वाली। फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों से इस फिल्म के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। जयपुर, कोटा, ग्वालियर, इलाहाबाद, सहारनपुर और पटना की ये तस्वीरें हैं जहां पर जगह जगह इस फिल्म का विरोध किया गया है। पद्मावती फिल्म पर फसाद लगातार जारी है और देश के अलग अलग हिस्सों से इस फिल्म के विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले तो सिर्फ राजपूत समाज के लोग ही इस फिल्म का विरोध कर रहे थे, आज तो बकायदा ब्राह्मण समाज भी सामने आ गया है और इस फिल्म को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। जो ब्राह्मण बोला है लाल सिंहासन डोला है, पद्मावती अमर रहे, लाल सिंहासन डोला है। कागज के इस पन्ने पर लाल रंग का खून है जिसे सिरिंज के जरिए निकालकर लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां राज मंदिर सिनेमा हॉल के बाहर ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने पद्मावती फिल्म के विरोध में प्रदर्शन किया। ब्राह्मण का खून कभी कभी निकलता है और इसलिए निकाला गया है कि जब हमारे राजस्थान के आन मान शान के साथ में इस प्रकार का अपमान हो रहा है और सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो लगातार बात तो कर रहे हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे। राजपूत समाज पहले से ही देश भर में आंदोलन चला रहा है। तो
अब इसमें ब्राह्मण समाज भी कूद गया है। यहाँ 10,000 लोगों के खून से हस्ताक्षर करके चिट्ठी सेंसर बोर्ड को भेजने का अभियान चलाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि पद्मावती फिल्म का विवाद इतना बड़ा क्यों हो रहा है, इसे समझने की जरूरत है। पहली बड़ी बात यह है कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 5% राजपूत बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही वोटर हैं। राजपूत वोटर कट्टर, आक्रामक और संपन्न माने जाते हैं। देश भर में राजपूत बड़ा वोट बैंक है। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल में राजपूत सीएम है, मुख्यमंत्री राजपूत है। उत्तराखंड में तो 50 और हिमाचल प्रदेश में 38% राजपूत है। वहीं यूपी में 7, बिहार में 5 और राजस्थान में 8% है। अब मामला समाज के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ गया है और दीपिका के बयान ने इस गुस्से को और ज्यादा हवा दे दी है। इसी वजह से स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं यूपी सरकार ने कह दिया है कि 1 दिसंबर को फिल्म को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, यानी कि यूपी में तो फिल्म तय तारीख पर रिलीज होने वाली नहीं है। कोई व्यक्ति ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके अपने स्वयं के व्यवसायिक हितों के लिए समाज में आग लगाने का कार्य कर रहा हो, इसको हम कोई भी अपनी मान्यता नहीं दे सकता है। सरकार को खुफिया रिपोर्ट मिली है कि फिल्म रिलीज होने पर बवाल हो सकता है। यूपी सरकार ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। 1 दिसंबर को वैसे भी यूपी में नगर निकाय चुनाव की गिनती है और 2 दिसंबर को मुस्लिमों का त्योहार 12 फात है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।